नमस्कार, वक्त हो गया 5 की आंच का। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बीजेपी आलाकमान ने कैबिनेट गठन को लेकर हरी झंडी दे दी है। तो कल मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन होना है। दिल्ली में सीएम की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात होगी। तो वहीं बीजेपी आलाकमान ने क्या लिस्ट पर मोहर लगा दी है, बड़ा सवाल है जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी आलाकमान ने लिस्ट पर मोहर लगा दी है। 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इस पर भी सवाल है। कौन कौन से वो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सबको चौंका दिया कि जो विधायक अब मंत्री बनेंगे क्या उसमें भी बीजेपी सबको चौंकाएगी, ये देखने वाली बात होगी अपना। और राजभवन में क्या शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, उसको लेकर भी जो तमाम हलचल हैं उनसे आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन बड़ी खबर यह है, बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या अब बीजेपी आलाकमान ने उन नामों को सहमति दे दी है जिन नामों की चिट्ठी लेकर गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और बड़ी खबर मोहन कैबिनेट से सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है कि कल मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इसके संकेत मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में फाइनल लिस्ट पर मोहर लग गई है। उधर राजभवन को सूचना मिलने का इंतजार है, कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीनियर लीडर्स से मिलने के बाद संकेत मिले हैं, राजभवन सूचना मिलने का इंतजार कर रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय मिले थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली में तय हुआ है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। जी हां, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला दिल्ली में तय हुआ है। 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, ये बड़े संकेत, ये बड़ी जानकारी कि 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे। जातिगत समीकरण पर फोकस किया गया है, लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की नजर है, तो ऐसे में जातिगत समीकरण को भी फिट करना है और उस पर भी बीजेपी का फोकस है। फैसला ये कि 3 बार जो मंत्री रह चुका है अब तक प्रदेश के अंदर, उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में यह फॉर्मूला तय हुआ है, सोर्सेस बता रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है वो आपको एक बार फिर ग्राफिक्स की मदद से हम बेहतर तरीके से समझाते हैं। 3 बार जो मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के अंदर, वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, ये फॉर्मूला तय किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 3 बार के मंत्री अब रिपीट नहीं होंगे, मतलब 3 बार जो मंत्री बन चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे। दूसरा फॉर्मूला आप देखिए, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजरें हैं क्योंकि कुछ ही वक्त बाद लोकसभा चुनाव है, उसको भी साधना है बीजेपी को। बिल्कुल, प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी बेहद आवश्यक है। जातिगत समीकरण पर भी फोकस है, देखिए समीकरण का जितने भी बॉक्सेस हैं उनको चेक करना होगा क्योंकि 24 के चुनाव पर भी बीजेपी की नजर है। नए चेहरों के साथ अनुभव का मिश्रण, जी हाँ, नया जोश भी होगा और अनुभव भी होगा, तो एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मंत्रिमंडल हमें देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में। कद्दावर नेताओं को मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें। बिल्कुल, और साथ ही खबर यह भी है फॉर्मूले में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए विधायक है, यानी कि जो पहली बार जीत कर आए हैं, विधायक बने हैं, उन्हें इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पहली बार जीत कर आए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, पहली बार के विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। 3 बार जो मंत्री बन चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे। कई सारे फैक्टर हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है, कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, कौन से जो पूर्व मंत्री थे वो हटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कई सारे फैक्टर साधने हैं बीजेपी को। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, नया जोश भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए,
तो कद्दावर नेताओं को भी मंत्री पद बीजेपी दे सकती है, ये भी खबरें हैं। लेकिन लेकिन बड़ी बात यह है कि तीन बार के मंत्री रिपीट नहीं होने वाले और नए विधायकों को मौका नहीं मिलने वाला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से जो कैबिनेट के गठन का फॉर्मूला है उससे साफ जाहिर होता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी सबको एक बार फिर से चौंकाएगी। शैलेंद्र, बिल्कुल सुमित आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो वर्तमान चीजें हुई हैं उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ चली। जिस तरीके से लगातार 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का दायित्व न देते हुए एक नए युवा चेहरे को डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और अब जो कयास सामने लगाए जा रहे हैं, अब जो चीजें दिख रही हैं कि जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल रहे हैं ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिलने वाली है, बल्कि उनकी जगह वो लोग लेंगे जो लगातार जीतते तो आ रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं बना पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जिनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। लगभग 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जो लगातार 3 से 4 बार से जीतते आ रहे हैं लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए थे, तो उनका नंबर इस बार लग सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि पहली बार के विधायकों को फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। 2024 के लिहाज से जो सियासी गणित है उसी के हिसाब से लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। क्षेत्र की बात सियासी गणित को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा जा रहा है। शैलेंद्र, शुक्रिया आपका, इस पूरी जानकारी के लिए नजर ना रखेगा, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में नए सरकार की। इन तस्वीरों को देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है। तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मैं बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मुहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया है। साय कैबिनेट में सामान्य वर्ग से 1 मंत्री, ओबीसी से 5 मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति से 1 और आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहाँ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयाल दास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी हैं क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिल्कुल, कैबिनेट का गठन यहां पर हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी चला पाएगी। क्या जो वादे हैं वो जनता से किए वादे हैं बीजेपी सही समय पर पूरे कर पाएगी। विष्णु के 9 रत्न ग्राफिक्स के माध्यम से श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, टंक राम वर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, इन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की। तो यहां भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही कैबिनेट में इन 9 लोगों को शामिल किया गया है। ये 9 मंत्री बने हैं और इसमें से भी कुछ सीनियर्स हैं, कुछ यंग फेसेस हैं जो पहली बार यहाँ विधायक बने और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये जातिगत समीकरण क्या है वो बता रहे हैं। सामान्य वर्ग से 1 मंत्री बनाया गया है, ओबीसी वर्ग से 5 मंत्री
बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही अनुसूचित जाति से एक मंत्री बनाया गया है। आदिवासी वर्ग से दो मंत्री बनाए गए हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। सरगुजा संभाग से तीन मंत्री, क्षेत्रीय समीकरण भी समझिए, सरगुजा संभाग से तीन मंत्री हैं, रायपुर संभाग से दो मंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में, बिलासपुर संभाग से भी दो मंत्री बनाए गए हैं। तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की है। दुर्ग संभाग से भी एक मंत्री बनाया गया, बस्तर संभाग से भी एक मंत्री बनाया गया, बस्तर संभाग से प्रदेश अध्यक्ष भी कल घोषित हो चुके थे। सरगुजा संभाग से तीन मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, रायपुर संभाग से दो मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने यहां पर की है। कुल मिलाकर तैयारी है अब लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब तैयारी बीजेपी कर रही है लोकसभा चुनाव की। चलिए अब बात एमपी में शिक्षा विभाग के उस आदेश की। इस आदेश के बाद क्रिसमस पर स्कूलों की मनमानी नहीं चलने वाली। बिल्कुल सुमित, दरअसल यहां स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बच्चों को सांता बनाने से पहले अब उनके अभिभावकों से, उनके परिवार के लोगों की अनुमति लेना जरूरी रहेगा और अगर परमिशन नहीं ली गई तो शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी सियासत हो रही है। जी हाँ, तो शाजापुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई जिलों में डीईओ ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। और अगर ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये आदेश जारी किए गए हैं, अगर इस तरह की कोई शिकायत करता हुआ मिलता है तो संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शिकायत करेगा कि उनके ऐसे स्कूलों में ऐसा हुआ है तो वहां उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो बच्चों को सांता क्लॉज बनाइए, लेकिन पहले पेरेंट्स से परमिशन लीजिए, माता पिता से अनुमति लीजिए और अनुमति मिलने के बाद ही उनके बच्चों को सांता बनाइए। ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग ने। दिसंबर महीने की 25 तारीख को क्रिसमस मनाए जाने से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश से उज्जैन में खलबली मच गई है। आदेश जारी हुआ है कि किसी भी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज बनाए जाने से पहले उनके परिजनों से लिखित में, जी हाँ, लिखित आदेश लेना जरूरी है। और अगर इजाजत लिए बिना ऐसा होता है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज या कुछ और बनाने से पहले उनके माता पिता की परमिशन लेनी होगी। क्रिसमस से पहले जब स्कूलों में कार्निवल्स लगते हैं या इस तरह के फंक्शन होते हैं तो वहां अक्सर ही बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है। उस आदेश के तहत क्रिसमस पर्व पर जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बगैर अभिभावकों की अनुमति से किसी भी बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषाओं को नहीं पहनाना है। और यदि कोई विद्यालय जबरदस्ती बिना अनुमति से कार्यक्रम करते हैं या कार्यक्रम में बच्चों को ये सांता क्लॉज की ड्रेस वेशभूषा पहनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैन के साथ ही शाजापुर में भी जिला शिक्षा विभाग का आदेश सुर्खियों में है। दरअसल विभाग ने आदेश में कहा है कि क्रिसमस डे के दौरान स्कूल में होने वाली गतिविधियों में बच्चों को सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री जैसे पात्र बनाने से पहले उनके माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य है, जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने एक आदेश जारी किया था जिसमें क्रिसमस का उल्लेख करते हुए बच्चों को बिना अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाने पर किसी भी तरह के विवाद पर उस स्कूल संस्थान के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। कुछ वर्ष पहले शाजापुर जिले में भी ऐसा एक विवाद हुआ था और अन्य जिलों में भी होता है, सामाजिक मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आती है। तो विवाद के बाद रोकने से उसको
जांच करने से अच्छा है कि होने से पहले ही रोका जाए, इसलिए इस आदेश को निकाला। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस डे और उसके आसपास के दिनों में जो स्कूलों में आयोजन होते हैं, यदि किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री या अन्य कोई पात्र बनाया जाता है तो इससे पहले बच्चों के माता पिता से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाया जाता है और उसके माता पिता द्वारा इस मामले में आपत्ति ली जाती है तो फिर संस्थान के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा विभाग का यह आदेश फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सुनील हंचौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। वहीं ग्वालियर में भी डीईओ का यह आदेश जारी हुआ है कि बच्चों को सेंटर बनाने से पहले उनके पेरेंट्स से लिखित सहमति लेनी होगी। और डीईओ ने क्या कहा है सुमित? बिल्कुल, अजय कटारिया ने जिले के सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए अभिभावकों की परमिशन लेना जरूरी है। अगर स्कूल लेकर शिकायत मिली तो संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्रिसमस के मौके पर अगर आपको बच्चों को सेंटा बनाना है तो पहले उनके अभिभावकों से आपको लिखित में अनुमति लेनी होगी। ये निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जिले के सभी स्कूलों को ग्वालियर में डीईओ ने ये आदेश दिया है। तो आदेश में क्या है, बच्चों को सेंटा बनाने से पहले अनुमति लेनी होगी, लिखित में उनके पेरेंट्स से स्कूलों को यह अनुमति लेनी होगी। और लिखित में अगर आदेश नहीं मिलता है, अगर बच्चे को सेंटा क्लॉज बना दिया, उसके कपड़े पहना दिए, उसके गेटअप में, सेंटा के गेटअप में बच्चों को लाया गया और अगर किसी ने शिकायत की तो संस्था के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किसी विवाद पर स्कूल पर एक्शन होगा, सख्त लहजे में ये आदेश। तो प्रदेश में कोई नया आदेश आए उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेंटा बुलाने पर बीजेपी कांग्रेस के बयान भी सामने आए। बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पर ये इस तरह के आदेश निकले और मैं समझता हूँ इस तरह के आदेश में गलत भी क्या है। यदि बच्चों को आप कोई भी उनको वेशभूषा पहना रहे हैं या कोई भी उनसे कृत्य करा रहे हैं या कोई भी उनको शांता बना रहे हैं तो उसके लिए अभिभावक से और बच्चों की सहमति होना जरूरी, तो इसमें गलत क्या है? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का द्वेष फैलाना चाहती है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कर रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? सांता क्लॉज बनाने में एक साल में एक त्यौहार आता है, अगर किसी क्रिश्चियन वर्ग का एक त्यौहार है उसको लोग दूसरे लोग भी मनाना चाहते हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ उन्होंने जानबूझ कर इस माहौल को बिगाड़ने के लिए किया है। जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह का माहौल बिगाड़ते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कानून व्यवस्था पर सख्त हैं सीएम। कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का राज हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। जुए सट्टे के कारोबार पर भी कार्रवाई के निर्देश हैं सीएम की तरफ से। सीएम ने कहा है, आदेश दिए हैं, राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, राजस्व से जुड़े सभी काम तत्काल हो। सीएम ने सख्त लहजे में ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सख्त नजर आ रहे हैं अपने आदेशों के लिए और कह दिया है यहाँ पर सुमित कि कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, शराब को इलीगली बेचने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये सीएम की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही विष्णुदेव साय एक्शन मोड में। बिल्कुल सुमित, देखिए आज ही उनके जो मंत्रिमंडल है उन लोगों ने शपथ ली है और उसके बाद आज बैठक, एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद सभी कलेक्टर और एसपी को, सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देशित किया है कि अवैध रूप से जो शराब की बिक्री है, जुआ सट्टा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने जो है तल्ख लहजों से कहा है कि कानून व्यवस्था का राज है वो दिखना चाहिए। तो इसका साफ निर्देश है कि किसी तरह से इल्लीगल कामों को छत्तीसगढ़ पुलिस है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि राजस्व के मामले को सभी तत्काल है वो निपटारा करे, इस तरह की जो शिकायत है
राजस्व के लंबित मामले को लेकर के उसकी शिकायत है वो आनी नहीं चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि पहली बैठक हुई अधिकारियों की और उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तल्ख लहजों से ये निर्देश जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कोई ढिलाई या कोई लापरवाही जो राज्य सरकार है वो बरतना नहीं चाहती। जी सुमित बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो शराब का मसला वैसे भी छत्तीसगढ़ के लिए दुखती रग की तरह है सुमित, और अब यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं सीएम साय। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं ताकि जमीन पर अगर कोई भी कोताही बरती जाएगी तो जवाबदेही अधिकारियों की होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार सीएम के निर्देश के बावजूद भी पालन क्यों नहीं हुआ। तो इसी के साथ ही पांच की आज में फिलहाल इतना ही।